सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कई बार हमने समझाया कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है सिंपल सा दो तीन लाइन में समझा देते हैं कि जितने भी हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गेन्स हैं जैसे कि आँख हो गया नाक कान जीव त्वचा ये पांचों जो स्पेशल सेंस ऑर्गेंस हैं इनसे इन्वायरमेंट से जितने भी तरह के स्टिमुलस हम लेते हैं वो सारे स्टिमुलस सेंसरी स्टिमुलस हैं वो वहाँ से हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन में एनालाइज हो के होके हो के वो प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस होके मोटर स्टिमुलस में कन्वर्ट होते हैं और तब उनका रिस्पॉन्स आता है अभी हम यहाँ बैठे हैं कुछ बैड स्मेल आने लगे तो थोड़ा नाक भाव सिकोड़ेंगे वो रिएक्शन है जैसे वो हमने मह और नाक भाव सिकोड़ना और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हम लोग कभी जैसे हमारे यहाँ चीनी मिल बहुत सारे हैं तो हम लोग कभी उधर से गुजरते हैं हमारे साइड चीनी मिल है उस रास्ते से गुज़र के घर जाना होता है तो वो चीनी मिल के उस, उसके आसपास का वो जो ये निकलता है उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है टेमा वगैरह उसको बोलते हैं वो इतना बदबू देता है कि आदमी उतना दूर समझ लीजिए कि चार पाँच सौ मीटर नाक बंद करके आप निकलें तभी जाके आप ये कर पाएंगे ट्रेन से भी उधर से गुजरेंगे तो भयंकर महकेगा तो रिएक्शन यही है कि उसका जो महका वो सेंसरी ये हुआ और फैक्ट्री स्टिमुलस आया हमने नाक बंद किया वो हमारा रिएक्शन था तो ये ही इतना सही है हम क्या है कि पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं आज की हम बात करें एक फिल्म में से ही समय निकला आज छुट्टी थी तो एक फिल्म देखने चले गए थे थ्री में फिल्म चल रही थी एक्शन सीक्वेंस चल रहा है तो लग रहा है कि आग के सामने चल रहा है अब उस पर ऑटोमेटिकली चीयर करना चिल्लाना ये रिएक्शन था तो उधर से क्या हुआ कि सेंसरी स्टेमुलस के तौर पे विजुअली हमने देखा हम एक्साइटेड हुए हम अगर उसको चीयर किए चिल्लाए तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन है ये जो हमने बताया इसमें जो बच्चा डिफ्रेंशिएट ना कर पाए स्टेमुलस को प्रॉपर रिस्पॉन्ड तुरंत ना कर पाए मतलब ये तो क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए अगर क्विक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बच्चा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा नाम बुला रहे हैं नहीं ध्यान दे पा रहा कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं प्रॉपर नहीं ये कर पा रहा चीज़ें सामने पड़ी हैं समझ नहीं पा रहा टच करा रहे हैं किस तरह का टच फील नहीं हो पा रहा या फिर उससे भाग रहा या फिर जिस तरह की भी चीज़ें ये सारी चीज़ें आती हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ठीक है इसके लिए प्रॉपर थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है ये तो कई बार हमने बता दिया तो जब हम बात करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कई बार हम कहते हैं कि सेंसरी इशू सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ये सब चीज़ें अलग अलग हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग कुछ मतलब होता है अब हम कई बार लोगों को समझाते हैं कि अगर बच्चे में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही वही आती है मेजर प्रॉब्लम ऑटिज्म के केसेस में वो मिलेगी बच्चों में उस कंडीशन में कोई स्पीच थेरेपी करा रहा कोई बिहेवियर थेरेपी करा रहा कोई स्पेशल एजुकेशन करा रहा कोई कुछ करा रहा कोई कुछ कर रहा सबको जिनको जो बताया गया अब तो परेशान हैं तो दुनिया भर के ये लोग राय देने के लिए चले जाते हैं और जब हम परेशान होते हैं तो हम सबकी बात भी मान लेते हैं तो इसलिए इसमें कहीं भी आपका दोष नहीं कह सकते हैं कहीं भी आपको ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन सही बातों को समझना ज़रूरी है अच्छा एक कहावत आप लोग सुने होंगे ना कि एक है साध है सब साधय सब साध है सब जाए मतलब क्या होता है ना कि एक टारगेट टारगेट एक रहेगा तो उसको अचीव करेंगे ना हमारा मतलब क्या होगा ना कि एक एक रास्ते में हमको जाना है एक टारगेट अचीव कर लेंगे उसके बाद किसी ऐसे मुकाम पे हम पहुंच जाएंगे कि उसके बाद जितने हमारे सपने होंगे सब पूरे हो जाएंगे और कई बार क्या होता है ना मल्टीपल टारगेट हम रख के चलते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते तो ये प्रॉब्लम होती है अब इसको समझने के लिए ऐसे हम एक बार समझाए भी थे कि फिल्मों में जैसे एक बार मैंने किसी एक्टर का अभिषेक बच्चन का कि किसका इंटरव्यू कहीं देखा सुना कुछ तो उसमें वो कह रहा था कि मतलब कि पहले लगता था कि कभी घुड़सवार बन जाए कभी लगता था कि कभी गैंगस्टर टाइप कुछ ये हो जाए कभी लगता था कि मार्शल आर्टिस्ट बन जाए कभी कुछ बन जाए कभी ई के कोच बन जाएं या फिर कुछ स्पोर्ट्स में चले जाएँ ये सारी चीज़ें कभी घुड़सवारी सीख ली ये सारी चीज़ें थी मल्टीपल शौक थे कि हमको ये बनना ये बनना ये बनना फिर उसके बाद लगा कि एक्टिंग के फील्ड में जाते हैं रोल के हिसाब से सारी चीज़ें कभी पुलिस ऑफिसर बनने का मन किया कभी गैंगस्टर बनने का मन किया कभी कुछ बनने का मन किया कुछ बनना एक एक्टर बन गए सारे तरह के रोल प्ले कर लिए नहीं होता है कि कभी पॉलिटिशियन बनना हो तो फिल्म में पॉलिटिशियन दिखा दिया अरुण गोविल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना देता है तो हुआ ना कि उस तरह का ये करे अरुण गोविल राम भी बने भगवान श्री राम का रामायण में उन्होंने किरदार किया तो वो चीज़ें हुई तो एक्टिंग के फील्ड में आया एक टारगेट रखा अभिषेक बच्चन ने और एक साथ है सब साथ है जितने मल्टीपल रोल उसने किए एक्टिंग अच्छा किया अलग अलग तरह के जो भी सपने थे उसके रोल उसने पूरा किए तो ये तो होता है इसी तरह से आपका टारगेट क्या हो ना कि एक टारगेट हो जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग बीपीएससी तो नहीं कहेंगे बिहार में हम इसलिए बी निकल गए यूपीएससी यूपीएससी वाले लोग कितना समय गंवा देते हैं एक टारगेट को पकड़ के और जो पूरी तरह से तन्मयता के साथ काम में लगा रहता है एक समय में जब उसका वो होता है तो सारी चीज़ें दुनिया भर की जो पीछे छूटी हुई थी लोग जिन चीज़ों को दिखा के उसको डरा रहे थे कि तुम ये नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा ये नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा क्यों उस पेयर में लगे हो ये अपना काम करो ये करो और वो मिलने के बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं उसी तरह से हम कहते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात जब होती है जब आप उसको सही से समझ लेंगे और सही से बच्चे पे काम करना शुरू कर देंगे ना तो सारे गोल आप वहीं से अचीव कर लेंगे अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो कहीं थेरेपी करा रहे हैं जैसे स्पीच करा रहे हैं बिहेवियर थेरेपी करा रहे हैं या फिर स्पेशल एजुकेशन करा रहे हैं बहुत सारे लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं जो ज़्यादा पढ़ लिए हैं अब वो एजुकेशन में लिट और लिटरेसी में दोनों में फ़र्क होता है अब वो उनका अपना जाने लेकिन मैंने देखा है कि कितना समझाने के बाद भी कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे यहाँ आके उनको डिमांड बेस्ड थेरेपी मिलेगी मतलब वो जो चाहेंगे वो तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत हमारे यहाँ जगह भी नहीं है ऐसे लोगों की हमें जरूरत भी नहीं है और कुछ समय के बाद उनको हम लोग साइड भी कर देते हैं कि भाई आपका नहीं हो सकता है कुछ क्योंकि इतना ओपनली समझाने का प्रैक्टिकल बातें जो आपके रियल लाइफ में एप्लीकेबल हैं वो हम समझाते हैं फिर भी लोग नहीं समझना चाहते हैं अब नहीं समझना चाहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है हमारे पास आने के बाद भी आपको लगता है कि आपके अपने हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए तो हमारे यहाँ नहीं होता दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ये शोरूम नहीं है ये कोई मॉल नहीं है ये हम सेल सेल्स वाले बिजनेस में नहीं है कि आप कहेंगे कि हमको वो सामान पसंद है वो हम नीड बेस्ड थेरेपी पे काम करते हैं बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा पहले महीने से रिजल्ट मिलेगा हमारे अकॉर्डिंग काम करें तो आ, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको वो आ, अब ये वीडियो देख के उनको लगा कि अच्छा यहाँ कुछ ये यह हो सकता है जादू होता होगा वो आए देखे थे नहीं तो यहाँ तो जादू तो है नहीं तो अब जादू नहीं है तो फिर उनको लगता है कि हम तो जादू सोच के गए थे अब वही दिन रात दिमाग में जादू चलते रहता है तो फिर जादू नहीं होता है यहाँ पर अभी कुछ दिनों से कुछ कुछ लोगों का हमारे पास आया मैसेज कि मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे कि आप प्रॉब्लम बता देते हैं सॉल्यूशन नहीं बताते हैं या फिर इसमें करें क्या ये नहीं समझाते हैं आप ये गलतियों की वजह से ये बच्चे को ये हो गया इस तरह के कुछ कुछ कमेंट्स मेरे पास आए आप सभी लोगों को हम समझा दें कि आप जो चाहते हैं और आप जो इस चीज़ को समझते हैं ऑटिज में या ऐसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आप इसको बीमारी समझते हैं हम इसको बीमारी नहीं समझते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जो सरकारें वादा करती हैं कि गरीब को इतना अनाज फ्री में दिया जाएगा बिजली फ्री में दिया जाएगा पानी फ्री में दिया जाएगा बजाएते ये कि उनको नौकरी दे के इंडिपेंडेंट बनाया जाए अगर नौकरी दे दे बढ़िया जॉब में वो आ जाए बढ़िया उनकी नौकरी हो जाए बढ़िया सैलरी मिलने लगे तो वो पानी बिजली राशन का खुद जुगाड़ कर लेगा खुद जुगाड़ कर लेगा तो दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे रहेगा और आप लोगों के वही चीज है कि वही आदत है कि डिपेंडेंट रहना है आपको यह है कि मतलब कि राशन कोई दे दे आप आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते हम वीडियो में क्या सिखाते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं करना क्या क्या सहूलियत बरत के बच्चे की प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना ये हर वीडियो में बताते हैं क्यों बताते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो किसी जांच करा के और किसी दवाई से ठीक होने वाली होती तो दवाई का नाम यहाँ पे बता दिया जाता कि दवाई ये ले लीजिए इससे ठीक हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी मतलब मल्टी मतलब होता है ना अनेक या बहुत तो कई तरह के डिसिप्लिनरी अप्रोचेज इसमें ले आए जाते हैं तब जाके एक कंप्लीट रिहैब का ये होता है प्रोटोकॉल बनता है तो इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या क्या हम आपको बताएंगे हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है और अगर बच्चा यूनिक नहीं है उसमें स्पेसिफिक तो ये नहीं किया गया वो कुछ होम प्रोटो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रीटमेंट के वो नहीं इंट्रोड्यूस किए गए वो नहीं इम्प्लीमेंट किए गए तो एक ही पैटर्न पे सारे बच्चों का ट्रीटमेंट किया गया आप लोग तो कर ही रहे हैं ना यूट्यूब देख देख के और एक ही पैटर्न एक ही वीडियो में सारे लोग अपने अपने बच्चे पर अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम कम होने की बजाय प्रॉब्लम बढ़ती है और ये मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ भी रही होगी बात तो समझिए कहाँ से प्रॉब्लम है आप लोग के दिमाग में ये होता है कि अच्छा तुरंत से एक मिनट के वीडियो में सोल्यूशन बता दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता है जिनको ठीक लगे वो वीडियो देखें नहीं तो आपको बुलाया तो जाता नहीं क्या वीडियो देखने हैं आप लोग देखते हैं उसके बाद से कमेंट करते हैं कमेंट कुछ कुछ उस तरह के होते हैं आते हैं हमारे पास जिनका जेनुइन कमेंट होता है उस पर वीडियो बनाया जाता है जिनका इन लॉजिकल कमेंट होता है उन पर वीडियो भी नहीं बनाया जाता है और उनका रिप्लाई भी नहीं किया जाता है तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस पर आप भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियो बना के आपको कुछ सजेस्ट किया जाएगा लेकिन वीडियो में हमेशा हम समझा देते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले कर उनके सुपरविजन में प्रॉपर वर्क करें बच्चे पे तो बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाए कि इंप्रूव कर पाएंगे नहीं तो फिर बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो चलिए ये तो हो गई ओवरऑल बातें हम बात कर रहे थे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होता है कि जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आप कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी आठ नौ स्टेप्स में उस पर काम किया जाता है उसमें ग्रॉस मोटर एक्टिविटी पे फाइन मोटर एक्टिविटी पे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे परसेप्शन डेवलपमेंट पे सोशल कम्युनिकेशन पे उसके बाद से एडीएल ट्रेनिंग पे उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसी में आता है ये सारी चीज़ें मतलब आठ सात आठ स्टेप नौ स्टेप में काम किया जाता है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा हम देते हैं किसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है कि सारे स्टिमुलस जो हमारे हम जितने भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलस ले रहे हैं हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गेन से सेंसरी स्टिमुलस वो हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं वहाँ से प्रोसेस होके और तब उन, उनका मोटर रिएक्शन आता है उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं प्रॉपर टाइम पे रिफ्लेक्स जैसे एक्शन होता है कभी कभार हम बाइक लेके निकलेंगे अचानक से कोई सामने से निकलेगा ब्रेक ब्रेक लगा के जैसे भी रोकेंगे कि उसका एक्सीडेंट ना हो हमारा ना हो तो ये ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये भी हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन है बच्चों में क्या होता है इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अपने सेलेक्टिव एक एक एक, एक उन्होंने अपनी दुनिया बनाई है उससे बाहर वो नहीं निकल रहे हैं और उससे बाहर वो नहीं निकल पा रहे हैं यही उनकी प्रॉब्लम है अब क्या होता है कि वो उसने सेल बना लिया एक अपने कंफर्ट की दुनिया बना ली बाहर से कोई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जैसे आप स्पीच सिखाना चाह रहे हैं जैसे आप पढ़ना सिखाना चाह रहे हैं आप कमांड फॉलोइंग सिखा रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दो इधर आप हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन सिखा रहे हैं कुछ भी सिखा रहे हैं उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें क्यों क्योंकि वो एक सेलेक्टिव वर्ल्ड में रहना चाहते हैं उसने एक सेल बनाया अपना उसी सेल से वो बाहर नहीं जाना चाहता है उसी से निकालने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करेंगे तो पहले स्टार्टिंग से हम लोग जब जो लोग भी हमारे सेशन में जुड़े हैं वो तो सारे जानते ही हैं कि स्टार्टिंग से हम काम कैसे करते हैं सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में सेंसरी स्टिमुलेशन से शुरू किया जाता है फन एंड प्ले एक्टिविटी की जाती है उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है ये ऐसे समझिए ना कि जैसे नहीं होता कि पॉलिसी बेचने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर कुछ सामान बेचने के लिए कोई सेल्समैन आपको हो जैसे गाड़ी वाड़ी का अभी कुछ दिन पहले हमको गाड़ी लेना था हमने इंक्वायरी करा कहीं स्कोडा का किया कहीं एमजी का किया कहीं महिंद्रा में गए टाटा में गए सब जगह ये कर दिया आप एक बार नंबर डाल दिया तो सब लोगों को मिल गया अब वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे आपका एड्रेस मिल जाएगा तो आपके पास पहुँच जाए हमारे पास भी पहुँचने लगे कि सर ये गाड़ी बढ़िया वो गाड़ी बढ़िया वो गाड़ी बढ़िया सब अपना 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 फीचर बखान करेगा आप एक बार लेके देखिए गाड़ी उसके बाद सर्विस में नाच नचा दिया तो तो मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में वही पोलाइट लोग जैसे नेता अभी अभी चुनाव का टाइम चल रहा है नेताजी लोग क्या होता है कि अभी हाथ जोड़ के आएगा आपसे वोट मांगने आएगा ना क्योंकि उनका आप उनकी अपनी जरूरत है उसके बाद पाँच साल वो दिखाने नहीं आएगा और आप उसके पास मिलने जाएंगे तो ये दो हाथ जैसे जोड़ा एक हाथ खींच लिया जाता है एक हाथ बचता है फिर समझ रहे तो ये ये जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के साथ भी पहले ऐसे ही हाथ जोड़ के स्टार्टिंग से काम जब शुरू करेंगे थन एंड प्ले एक्टिविटीज फन एंड प्ले वे में होगा ना तो बच्चे को लगेगा अरे ये तो मेरे मन की बात हो रही है मेरे हिसाब से काम हो रहा है तब तो ये 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 तो अच्छा है इसमें खेलने लगेगा और उसका साथ में सेंसरी इंटीग्रेशन सेंसरी स्टिमुलेशन वगैरह चीज़ें वो हो रही हैं तो उसका सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन डेवलप कर रहा है हमने कई सारे वीडियो में बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं बताएंगे इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऐसे प्रैक्टिकल जो लाइफ में एप्लीकेबल है उन बातों में तो धीरे धीरे एक आध सप्ताह दस दिन तक जब वो आपके साथ गेट टुगेदर होने लगा बच्चे का और वो आपके साथ इंटरेक्ट करने लगा और आपके साथ काम में इंटरेस्ट लेने लगा क्यों फन एंड प्ले एक्टिविटी आप करा रहे हैं फन एंड प्ले वे में जब आप करा रहे हैं तो आप बच्चे के साथ बच्चा बन गए और बच्चे के साथ बच्चा बनना ही पड़ेगा बच्चे के साथ अगर बच्चा नहीं बनेंगे तो एज गैप तीस पैंतीस साल का है तो आपके लेवल की मेच्योरिटी उसके दिमाग में तो है नहीं तो और वो आपके इस तरह तो हो ही नहीं सकता है आप चाहें तो अपना कैरेक्टर चेंज करके बच्चे की तरह बने और जिस दिन से आप बच्चे के साथ बच्चा बनना शुरू करेंगे बच्चे में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी इसके हजारों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे अंडमान निकोबार से एक कपल हमारे साथ जुड़े हैं उनका बच्चा तीन साढ़े तीन साल का होगा शायद अभी एज एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो लोग हमारे साथ जुड़े वो पहले एक साल तक कहीं कहीं थेरेपी कराए कुछ भी चेंजेज नहीं हुए मुश्किल से दस बारह दिन का सेशन हुआ होगा और उस बच्चे में पॉजिटिव चेंजेज हैं अब वो अपने मदर फादर के साथ बैठ के और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उनके साथ एक्टिविटी में कोऑपरेट कर रहा है सिटिंग बढ़ गई है पेशेंस बढ़ गया है उसका इंटरेस्ट जागा है क्योंकि अब बोल रहे है थे लोग कि बीच वगैरह पे लेके जाते थे तो पहले तो बिल्कुल भी पानी और सैंड वगैरह से बिल्कुल भागता था और अब वो चीज़ें क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया ऑबसाइंड में जाके रह रहा है पानी में जाकर घुस रहा है नहा रहा है बोले कि पहले ठंडा पानी बिल्कुल भी डालने ही नहीं देता था बवाल मचा देता था अब बिल्कुल ठंडा पानी डालते हैं आराम से नहा रहा है एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी क्या करेंगे डिफेंसिवनेस जो ओवर रिस्पॉन्सिविटी थी उसको हमने कम किया और फन एंड प्ले वे में कम कर दिया और बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो इस तरह से जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिक प्लान लेके उस पर काम करते हैं तो बच्चे में इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और नहीं तो आपको चाहिए कि वीडियो में कुछ बता दीजिए हम वही देख के अपने करेंगे तो करते रहिए फिर बहुत सारे लोग तो जुड़े इस संडे लास्ट संडे जो बीता हमारा उसमें कितना संडे को बीस लोग हमारे साथ जुड़े थे उसमें पाँच छः लोग ऐसे हैं कि उनको ये है कि एक तो लेडी कह रही हैं क्या कि हमने कहीं डॉक्टर के पास असेसमेंट ही नहीं कराया या फिर कंसल्टेशन ही नहीं किया कि एक तो प्रॉब्लम हमको लग रही थी कहीं वो और ज़्यादा ना बता दे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी टेंशन हो जाएगा जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा फिर तो मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे नहीं लाइफ इन मेट्रो फिल्म में इरफान खान जो बताते हैं वो एक जो एक्ट्रेस रहती है साथ में उसको बोलते हैं कि मतलब कि एक मेरा दोस्त है उसने एक नई गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी खरीदी खरीद के ला के अपने पार्किंग में रख दिया गराज में रख दिया मैंने पूछा कि क्यों नहीं गाड़ी को निकालते हो बाहर तो उसने कहा कि जिस दिन शहर की सारी सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे उस दिन गाड़ी लेके निकलूंगा तो उस पर वो कहती है कि वो तो बड़ा बेवकूफ़ है जब बाहर गाड़ी निकालेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं तो यही वाली बात है कि जब आप निकलेंगे नहीं ये में तो फिर पता कैसे चलेगा कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है उसके लिए सही सॉल्यूशन क्या है तो अपने मन ही मन मतलब कि इसमें तो यही हुआ कि आप सामने रोड पे हम जा रहे हैं सामने से ट्रक आ रहा है आंख बंद कर लेंगे तो ट्रक आपको नहीं कुचलेगा क्या आंख बंद कर लेंगे कुचल के निकल जाएगा तो कोशिश तो ये है कि हाथ पैर मारे निकल लें हो सकता है नसीब साथ दे दे बच जाए आप तो इसी तरह के लोग भी हैं और अपना समय कमा रहे हैं अब होपलेस भी हैं बेचारे उनमें हम कुछ कह नहीं सकते उनको गलत भी नहीं कह सकते लेकिन कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए जब लगे कि प्रॉब्लम है तो सही से दिखा के समझा समझ के ही करना चाहिए और उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वीडियो देख के वो मोटिवेटेड हो जाते हैं जुड़ते हैं फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताया जाता है तो फिर उसके बाद नहीं जुड़ते फिर वही जो सालों से करते आ रहे थे फिर वही चीज़ें करते हैं और फिर जस के तस जहाँ हैं कि वहीं के वहीं हैं तो इन सब बातों को समझिए और जब ही भी पता चले कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसका बढ़िया से असेसमेंट वगैरह करवाइए बच्चे के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल जो होम प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं उनके थेरेपी प्रोटोकॉल होते हैं उनसे लीजिए प्रैक्टिकल सेशंस जो होते हैं उनमें जुड़िए है, फिजिकली जाइए या ऑनलाइन में जिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं बच्चे का सही से असेसमेंट करा के थेरेपी करना चाहते हैं घर बैठ के ही बच्चे को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ मैनेजमेंट का दिया रहता है उनसे कॉल करके बात कर लेंगे और कॉल से अगर बात नहीं होती बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि कॉल नहीं रिसीव किया जाता या फिर ये नहीं किया जाता तो बहुत सारे लोग हैं जो अब ये बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि रात के तीन बजे चार बजे कॉल करते हैं उन लोग कहता है कि तीन बजे चार बजे के टाइम में कॉल आता है जब वीडियो जो देखा वही टाइम कॉल कर लिया तो फिर क्या है कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग परेशान हैं आप लोग तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन क्या होता है कि अगर नहीं फ़ोन उठाया गया तो वो नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें व्हाट्सएप पर आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी फिर जब कभी फ्री होते हैं इन लोग तो आपसे बात करेंगे ही करेंगे नहीं करने का सवाल ही नहीं है हमारा काम ही ये है कि हम इसमें हैं हमारा सर्विस का काम है हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं बता रहे हैं और हम क्या है ना कि हम चाहते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट बनाएं आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो आपके बच्चे को कोई ठीक नहीं कर सकता इसलिए बार बार कहते हैं कि बी वेयर बी पॉजिटिव ऑटिज्म क्योर किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है टर्म कंडीशंस के साथ में पहले से जो दिमाग में आपके चल रहा है कि आप सही हैं और हमारे पास जुड़ने के बाद भी आपको लगता है कि आप सही हैं उस कंडीशन में नहीं और काफ़ी जीनियस लोग इधर बीच में दो तीन दिन आ, मतलब दो तीन दिन सॉरी मतलब लगभग पंद्रह बीस दिन से जुड़े हैं कुछ लोग और फिर उनको लगता था कि वो जो सब कुछ वो जानते हैं और वही मेंटेलिटी लेके वो हमारे यहाँ आए तो धीरे धीरे उनसे साइड कर लिया गया खैर कोई बात नहीं आ, अगर आपको लगता है कि आप ऑनेस्टली काम कर सकते हैं और आप ये दिमाग में रख के आए कि अगर आप जीरो बन के आए अपने क्या है कि अपने ज्ञान अधूरे ज्ञान का बखान हमारे पास ना करें और हमारी बात को मान के अगर चलते हैं तो बच्चे में आपके इम्प्रूवमेंट की गारंटी हम लेते हैं कुछ लोग होते हैं कि जानते भी नहीं हैं और ओवर स्मार्ट भी बनते हैं तो उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट का चांस या गारंटी हम लोग नहीं लेते तो खैर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी हम तो सिंपल भाषा में समझाते हैं समझ में आ जाए तो ठीक नहीं आया तो और ठीक इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में धन्यवाद